खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां CBS स्कूल की प्रिंसिपल निशा सेंगर ने फीस न भरने पर एक छात्र की डंडे से पिटाई कर दी। पीड़ित ने बताया कि 11वीं और 12वीं की कोचिंग दिए बिना ही पैसे मांगे जाते हैं। साथ ही जब वह प्रिंसिपल से अपनी 11वीं की मार्कशीट मांगने गया तो निशा सेंगर ने अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर उसे बुरी तरह पीटा। सूत्रों के मुताबिक निशा सेंगर इससे पहले भी कई बार नेताओं की धमकी देकर कई बच्चों की पिटाई कर चुकी हैं, लेकिन किसी बच्चे ने आवाज नहीं उठाई। इसके बाद पीड़ित ने हजीरा थाना जाकर निशा से और हरिजन एक्ट के तहत बेटा है, ये मेरा भाई है बड़ा वाला। आपको कैसे पता पड़ा? बताया मुझे इसने फोन लगाया घर पे। पहले बेटी आई, बेटी ने मुझे फोन किया, मम्मी है आओ, बहुत ज्यादा उसकी मारपीट कर दी भाई की, और उसको पुलिस वाले को बुला लिया इन्होंने कि वो सीधा जेल जाएगा तुम्हारा भाई। तब बात हो रही, अभी कुछ बात नहीं होगी। बस मैं आई वहाँ से तो कहा, देख रही थी मैं, देखने को नहीं दे रहे थे मुझे, इसको अंदर करे हुए थे। बोले मैडम लोग बंद कर लिया था, अंदर ऑफिस में बंद कर लिया ऑफिस, मतलब बंद नहीं एक तरीके से गेट, मतलब रूम के अंदर करके रखा था उनका जो मेन ऑफिस है, और वहाँ पे खुद खड़े हुए थे दोनों मैडम प्रिंसिपल। उनसे बोला कि बाहर प्रिंसिपल और जो वो उनके जो वाइस प्रिंसिपल वगैरह है वो सामने मतलब खड़े हुए थे कि अंदर से ये निकलेगा नहीं अंदर से, और इन्होंने बेटे को नहीं आने बोले। वो आ गई है पुलिस, आ गई है, आ गई है वो, आ गई। मैंने बुलाया है 100 नंबर, हाँ फिर हमको 100 नंबर लेके आई। उन्होंने भी कहा कि बेटे की गलती नहीं है, गलती कहाँ है। तो उन्होंने जब वीडियो खुद देखा तो उन्होंने खुद बोला चलिए आप खुद थाने चलिए, और मैम से भी बोला कि आप भी चलना चाहेंगे। उन्होंने बोला आपने आप चलो आपकी गलती है मैडम, मेडिकल करा लो। तो हमने उसकी कंडीशन देखी, जाहिर सी बात है उसकी कंडीशन में दिख रहा है साफ साफ कितनी चोटें आई हुई है उसको। मेरा स्कूल है और काफ़ी समय से चल रहा है, अगर ST OBC स्कूल में कोई मायने नहीं रखता, मेरे लिए सब बच्चे बराबर हैं। मैं किसी बच्चे का एडमिशन करती हूँ या कि स्कूल में इतने बच्चे पढ़ते हैं, किसी को प्राइज देती हूँ या कोई भी काम करती हूँ, मैं उससे ये थोड़ी पूछती हूँ तुम ST के हो कि OBC के हो या जनरल हो, मेरे लिए सब बच्चे बराबर हैं सर। यहाँ मेरे को ST OBC से कोई लेना देना नहीं है किसी भी तरीके का। CBSE नहीं है सर, MP बोर्ड है। एक और बात मैं कहना चाहूँगी सर, सर एक मिनट आप भी एक बार है ना, उसके अगर स्कूल खराब था और उसको हरिजन इसी तरीके की कोई समस्या थी तो उसके चारों भाई बहन मेरे यहाँ पढ़े हैं, उसकी सबसे बड़ी बहन भी यहीं पढ़ी, छोटी भी पढ़ी, उसका भाई भी पढ़ा, और ये तो सबसे छोटा है और ये भी यहीं पढ़ा। अगर स्कूल से समस्या थी तो क्यों पढ़े नहीं, प्ले ग्राउंड क्यों नहीं है सर? नहीं MP बोर्ड में ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं MP बोर्ड सर, स्कूल तो बहुत पहले से चल रहा है ना। अब ये सब जानकारी जो स्कूल के डायरेक्टर होंगे वो बता पाएंगे, है ना। मैं तो स्कूल संचालित कर रही हूँ और काफी समय से, और अच्छा चल रहा है, कोई कंप्लेंट नहीं है अभी तक। ये पहला बच्चा है जिसने उठते ही टीचर को मार ही दिया है ना, आज तक किसी बच्चे को इतना नहीं है, सब इतने रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। नहीं सर, मैं अपने ऑफिस में था, ये मैडम बाहर, दो मैडम बैठी थी, रजनी मैडम और ये यहाँ मैडम। तो ये बच्चा आया, विवाद हो रहा था, मैं सुन रहा था अंदर, मैं अपना काम कर रहा था, फॉर्म भर रहा था बोर्ड के। तो विवादित मौक़ात में एकदम बहुत चिल्लाटे की आवाज़ आई कि मेरी मैडम का बच्चा, वो जो है ध्रुव नाम का लड़का आया, तो जो है बच्चे मैडम का जो गला पकड़ा था भयंकर, मैडम को दो तीन मैडम को हाथ छोड़ा हुई, मगर वो छोड़ा नहीं सका। तब मैं देखा, अरे जो तो बहुत ही बहुत जबरदस्त पकड़ा है उसका गला। तो मैंने जब उसको दोनों हाथ खींच के ये चाटा, मैंने उसको मारा, मैंने उसको मारा भी है, तब उसने हाथ छोड़ा है। देखिए अभी ये जो स्कूल का छात्र है ध्रुव आर्य, जो कांचमिन क्षेत्र के रहने वाले हैं, CBSE स्कूल हादसे नवीन पार्क के पास में, 11वीं की मार्कशीट लेने गए थे और मार्कशीट फीस जमा करने की बात को लेकर के स्कूल के जो टीचर्स हैं उनके साथ में विवाद होने से मारपीटी किए हैं। तो इनकी रिपोर्ट पर निशा सेंगर और रजनी और राकेश के खिलाफ में मुकदमा कायम हुआ है। किन धाराओं में मुकदमा कायम हुआ है? मारपीट की है और SST की धाराएं लगी हैं। बच्चे के हाथों पैरों में चोटों के लिए? हाँ, हाथ पे, हाथ में और पे, सिर में, शरीर के अन्य भागों में जो चोटें आई हैं उसका हम लोगों ने मेडिकल परीक्षण कराया है, उसके आधार पे करके कर रहे हैं। जो दूसरा पक्ष उसकी तरफ से भी कोई? हाँ, दूसरा पक्ष भी निशा सेंगर हैं, वो आई बता रही हैं कि लड़का जो मार्कशीट लेने आया था अब सब बोला और गाली बात को लेकर के
मना करने पर मेरा गला पकड़ लिया और मेरे साथ में मारपीट की है। उनके तरफ से भी हम सुनवाई कर रहे हैं।